हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। हम लोग आज इस सेशन में देखेंगे नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन 2020 के बारे में। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं जिनको कि आप लोग यूज कर सकते हैं अपने डाउट पूछने के लिए या हम तक रीच आउट करने के लिए। अगर हम लोग देखें आज के टाइम में तो इंडिया में हर साल नियर अबाउट 2 से 3 करोड़ गाड़ियां बिक रही होती हैं। इन गाड़ियों में ऑब्वियसली पेट्रोल लगता है या फिर डीजल लग रहा होता है, और हमारे पास पेट्रोल और डीजल के रिजर्व एज सच हमारे पास खुद है नहीं, तो हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। इस इंपोर्ट करने के कारण एक तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता जाता है। इस करंट अकाउंट डेफिसिट के कारण से हमें बहुत सारी लायबिलिटीज बढ़ती जाती है हमारे ऊपर, तो एक बहुत बड़ा ये हमारे लिए हानिकारक चीज है। इसके अलावा जितनी भी गाड़ियां निकलेंगी वो गाड़ियां प्रदूषण भी मचाएंगी, पॉल्यूशन भी करेंगी, एयर पोल्यूशन होगा, हेल्थ खराब हो रहे होंगे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम हमें सामने आ रही होती हैं। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? क्योंकि व्हीकल्स तो हमें लेनी ही पड़ेंगी, क्योंकि हमें प्राइवेट व्हीकल की भी जरूरत होती है, कमर्शियल व्हीकल की भी जरूरत होती है, जैसे कैब टैक्सी वगैरह हो गई, बसेस की भी जरूरत होती है, टू व्हीलर्स की भी जरूरत होती है, और थ्री व्हीलर्स की भी हमें जरूरत होती है। तो हम लोग व्हीकल्स में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, लेकिन व्हीकल टेक्नोलॉजी में जरूर कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। जैसे अभी रिसेंट में देखा होगा आप लोगों ने कि हम लोगों ने BS4 से BS6 की ओर में हम लोग ट्रांसफर हो गए हैं, लेकिन इस BS4 से BS6 में जाने के बावजूद भी प्रदूषण तो उतना ही रह गया, क्योंकि हमारा पोल्यूशन में केवल और केवल सल्फर कंटेंट में हमारी कमी आ गई है। लेकिन अभी भी एयर पोल्यूशन के बारे में बात करें तो एयर पोल्यूशन अभी भी उतनी ही ज्यादा मेंटेन रहने वाली है, क्योंकि व्हीकल उतने ही ज्यादा खरीदे जा रहे हैं। अगर व्हीकल पे कोई लिमिट लग रही होती है तब एक चांसेस होता कि हाँ एयर पोल्यूशन कम हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। तो एज पार्ट ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल एक बहुत अच्छा ऑप्शन आ जा रहा होता है। इस इलेक्ट्रिक व्हीकल में होता क्या है कि इसमें एक सेल लगी होती है, या जिसको बोल सकते हैं बैटरी, जिसको कि चार्ज करने के बाद ये एक लिमिटेड किलोमीटर तक ये चल सकती है, उसके बाद से वापस से इसको रिचार्ज करना पड़ता है। इस व्हीकल में दो तरीके की चीजें आती हैं, एक आती है जो हमारी हाइब्रिड होती है और दूसरी होती है जो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल होती है। जो सिर्फ इलेक्ट्रिकल होती है उसमें तो केवल और केवल बैटरी लगी रहेगी और वो चार्जिंग के बाद ही केवल चल सकती है, लेकिन जो हाइब्रिड होती है उन हाइब्रिड में इलेक्ट्रिक भी होती है, साथ ही साथ वो फ्यूल वाली भी होती है, मतलब उसमें मिक्स होती है। जैसे आप लोग देखे होंगे आजकल की गाड़ियों में LPG और पेट्रोल दोनों मिक्स सा आता है, चेंज कर सकते हैं आप, स्विच कर सकते हैं चीजों को। उसी तरीके से यहां पर भी रखा गया है, बैटरी भी है और साथ में पेट्रोल भी हो सकता है दोनों में, तो काफी अच्छा एक टेक्नोलॉजी आ सकता है ये। लेकिन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि आखिर में इसके स्टेटस क्या है, वायबिलिटी क्या रही है, और साथ में देखेंगे कि गवर्नमेंट क्या कुछ कर रही है इस इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डिस्कशन, और इसी को बोलने वाले हैं हम लोग इलेक्ट्रिक कार, और इलेक्ट्रिक कार के प्रमोशन के लिए ही हम लोग ये मिशन चला रखे हैं जिसका नाम है नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन 2020। इस मिशन का उद्देश्य क्या है उसको जानने से पहले हमें थोड़ा सा मिशन के बारे में देखना ज्यादा जरूरी होता है, तो फटाफट देखते हैं क्या कुछ है। तो अंडर इट्स नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान गवर्नमेंट टारगेट कर रही है कि 6 to 7 मिलियन इस सेल हो जाए किसकी, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल की इन इंडिया बाय 2020। यहां पर फ्यूल सिक्योरिटी से गवर्नमेंट एक इजाद पाना चाहती है, फ्यूल सिक्योरिटी से ये फ्री होना चाहती है। एक तरीके से कह सकते हैं कि फ्यूल की जो भी खपत हो रही है हमारे पेट्रोल और डीजल व्हीकल के कारण से, उससे ये निजात पाना चाहती है। इसके लिए गवर्नमेंट अलग अलग तरीके से अपनी इकोनॉमिक सर्वे और बजट में भी कई सारे प्रोविजन लेकर के आई थी, जिसमें एक स्कीम निकाली गई थी जिसका नाम था फेम, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो ये फेम इंडिया एक निकाली गई थी स्कीम, हालांकि इस स्कीम में पूरी तरीके से चल नहीं पाई क्योंकि यहां पर कई सारी प्रॉब्लम थी, जैसे बजट वगैरह की प्रॉब्लम थी। उसके बाद से गवर्नमेंट एक दूसरी स्कीम निकाली जिसका नाम था फेम 2। इन सारी चीजों के बारे में अभी हम लोग थोड़ा सा आगे देखेंगे क्या चीज है। फिलहाल अगर बात करें तो गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि 6 to 7 मिलियन सेल हो जाए इलेक्ट्रिक व्हीकल की। इसके लिए नीति आयोग ने भी अपना एक प्लान बनाया हुआ है। नीति आयोग बोलता है कि अपने इस एक ई मोबिलिटी प्लान लेके आया है, जिसमें बोला गया पहले कि 2030 तक
केवल और केवल हम ऐसा काम कर लेंगे कि केवल और केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल ही बिक सके। तो इस तरीके से एडॉप्शन ओवर एस्टिमेटेड एक डेटा लेकर के आई थी नीति आयोग। हालांकि बाद में नीति आयोग ने इसको रिवाइज किया और कहा कि नहीं नहीं, हमें 2030 तक 2030 तक हमें ये काम पूरी तरीके से नहीं करना है, हमें केवल टारगेट करना है कि 30% हमारी प्राइवेट कार बिक जाए, हमारी 70% कमर्शियल कार बिक जाए, हमारी 40% बसेस बिक जाए और 80% हमारी टू व्हीलर और थ्री व्हीलर ये व्हीकल्स बिक जाए इलेक्ट्रिक वाली। तो ये एक वायबल तरीका लेकर के आया गया नीति आयोग के द्वारा और एक काफी अच्छा तरीका था। इसके अलावा गवर्नमेंट ने अपने इकोनॉमिक सर्वे में भी ये चीज दिखाया कि हम लोग इस समय पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें तो केवल और केवल 0.06% केवल और केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल को अडॉप्ट किए हुए हैं। वहीं अगर चाइना के बारे में बात करें तो चाइना 2% अडॉप्ट किया हुआ है ग्लोबल लेवल पे इलेक्ट्रिक व्हीकल को। नॉर्वे के बारे में बात करें तो नियरली 39% नॉर्वे में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही आ जा रही होती है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास कई सारी चीजें आ जा रही होती हैं। इस नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन के अंतर्गत अगर बात करें कि बैटरी कौन सी लगाई जा रही है, तो बैटरी जो लगाई जाती है वो लगाई जाती है लिथियम आयन बैटरी। लिथियम आयन बैटरी में खास बात होती है कि ये लॉन्ग टाइम तक चल सकती है। इनफैक्ट अगर बात करें कितना लॉन्गर ये चल सकती है, तो एक बार चार्ज करने के बाद नियरली 80 किलोमीटर तक ये जा सकती है। तो बेसिकली ये हुआ एक फ्रेमवर्क, एक बैकग्राउंड जो गवर्नमेंट तैयार करके रखी हुई है। आगे बात करें तो नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन ये इंटेंड टू अलाउ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल टू बिकम द फर्स्ट चॉइस ऑफ द प्रोड्यूसर्स सो दैट दीज व्हीकल्स कैन रिप्लेस द कन्वेंशनल व्हीकल्स एंड दस रिप्लेस लिक्विड फ्यूल कंजम्पशन इन द कंट्री फ्रॉम द ऑटोमोबाइल सेक्टर। तो ये लोगों की फर्स्ट चॉइस बनाने की ओर फोकस कर रही है ये हमारी जो मिशन है। आगे देखिए इसमें बताया गया है कि क्या कुछ हम लोग स्कीम में रखेंगे। तो स्कीम में बहुत सारी चीजें हैं, उनको वन बाय वन करके जरा हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहले बोला गया है कि डिमांड साइड इंसेंटिव टू फैसिलिटेट द एक्विजिशन ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इसका मतलब यह है कि अगर कोई कंज्यूमर इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने जा रहा है तो उसको कुछ टैक्स बेनिफिट दिया जाए, उसको डिमांड साइड एक इंसेंटिव दिया जाए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको परचेज कर सके। तो ये गवर्नमेंट की साइड से एक स्कीम दी गई है। इसमें जीएसटी के बेसिस पे कहा गया है कि देखिए पहले जो 28% जीएसटी आती थी उसको रिड्यूस करके अब 12% की कैटेगरी में डाल दिया गया है, और इनफैक्ट 12% की कैटेगरी से हटाकर भी 5% वाली कैटेगरी में डाल दिया गया है। तो अब हम देख सकते हैं कितना ज्यादा गवर्नमेंट इसको इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट कर रही है। इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, और इसमें कहा गया है कि प्रमोटिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग बैटरी टेक्नोलॉजी, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मोटर सिस्टम इंटीग्रेशन, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंश्योरिंग इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन इन द सेम। इसमें अगर बात करें जैसे लिथियम आयन है, लिथियम आयन के लिए एक थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन की एक बैटरी निकल के आई है जो कि ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट लोगों ने खोजी है, और वो है लिथियम सल्फर बैटरी। इसकी ड्यूरेबिलिटी और ज्यादा है और ज्यादा इसमें इफिशियंसी निकल के आई हुई है। तो हमारे पास काफी अच्छा एक चांस है कि हम लोग लिथियम आयन से स्विच होकर के लिथियम सल्फर की ओर चले जाएं, तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट कह रही है कि देखिए हर जगह जैसे पेट्रोल पंप होते हैं, मैकेनिक शॉप्स होती हैं, वैसे ही हमें भी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट करना पड़ेगा। अदरवाइज गाड़ियां तो खरीद ली जाएंगी, लेकिन उसके लिए जो चार्जिंग चाहिए, जो चार्जिंग स्टेशन चाहिए, वो नहीं रहेंगे तो फिर ये किसी काम का नहीं रहेगा। इसके अलावा हमें सप्लाई साइड भी इंसेंटिव देने पड़ेंगे, मतलब कि जो कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही हैं उनको भी हमें प्रमोशन देना होगा। अदरवाइज आज की डेट में जैसे देख सकते हैं केवल और केवल दो तीन इंडियन कंपनी है जो केवल और केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रोडक्शन करती है, एक टाटा है, दूसरी महिंद्रा है। बाकी जितनी कंपनीज है वो फॉरेन की कंपनीज है, चाहे वो ह्यूंडई हो गई या फिर बाकी कोई और भी कंपनी हो गई है। इसके अलावा इनकरेजिंग रिट्रो फिटिंग ऑफ ऑन रोड व्हीकल्स इट्स हाइब्रिड किट। अब यहां पर क्या है कि जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल की कोई चीज खराब हो जाती है तो उसकी रिट्रो फिटिंग करना ये बड़ी दिक्कत की बात है। तो गवर्नमेंट इसके लिए एक हाइब्रिड किट लेके आएगी, जहां पर अगर आप
केवल और केवल बैटरी वाली ले रखे हैं तो उसको बैटरी प्लस फ्यूल कर दिया जाएगा, जैसे कि एलपीजी के साथ में किया जा रहा होता है। तो वैसे ही रिट्रोफिटिंग को गवर्नमेंट इंकरेज करने की बात कर रही है। हालांकि देखिए, इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में जब भी कोई कार परचेज करता है तो हमेशा उसकी रीसेल वैल्यू को सोच करके तब परचेज करता है, साथ में कन्वीनियंस भी देख रहा होता है। अब जैसे अगर बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल की ही, तो यहां पर अगर बैटरी खराब हो जाती है तो कम से कम 50-60 हजार रुपए लग जाएंगे आपके, 50-60 हजार लग जाएंगे आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी को चेंज कराने के लिए। तो काफी ज्यादा ये अनवायबल कंडीशन निकल करके आ जा रही होती है। इसके लिए गवर्नमेंट एक फेम इंडिया लेकर के आई थी, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया ही कि अंडर नेशनल इलेक्ट्रिक मिशन मोबिलिटी मिशन गवर्नमेंट हैज लॉन्च फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, फेम इंडिया। ये गवर्नमेंट पहले फर्स्ट वर्जन लेकर के आई थी जिसमें काफी खामियां थी, जिसके कारण से इसको वापस से रिवाइज कर दिया गया था, और रिवाइज करके अभी गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल को और ज्यादा प्रमोट करने के लिए ये सब काम कर रही है। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका क्या काम है। ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो देखिए, अचीव नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी, क्योंकि हमारे पास इस समय जो भी हम लोग फ्यूल यूज करते हैं वो सारा का सारा इंपोर्टेड होता है। अगर हम इंपोर्ट की बजाय हम एक अल्टरनेटिव लेकर के आए जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो हमारे लिए काफी अच्छा हो जाएगा, हमारे लिए एक एनर्जी सिक्योरिटी का मैटर बन जाएगा। इसके अलावा मिटिगेशन ऑफ एडवर्स इंपैक्ट ऑफ व्हीकल्स ऑन द एनवायरनमेंट, अगर हम लोग फ्यूल वाली गाड़ियों को नहीं लेकर के इलेक्ट्रिक वाली गाड़ियां लेंगे तो उससे हमारी काफी ज्यादा एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन होगी, काफी ज्यादा हम लोग एयर पोल्यूशन को कम कर ले जाएंगे। इसके अलावा ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी इन द ऑटोमेटिक सेक्टर, अब जैसे जितनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसके लिए अब देखिए यहां पर कंडीशन क्या होती है कि एक तो है कि जो ऑटोमोबाइल पूरी की पूरी गाड़ी ही है, इस गाड़ी को हम लोग बाहर से मंगा रहे होते हैं, इंपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन इससे गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि इंडिया में जो मेक इन इंडिया चल रहा है उस स्कीम का कोई काम नहीं रह जाएगा, पहला। दूसरा, या तो आप पेट्रोल को ही उठा ले आइए, इंपोर्ट कर ले आइए, या गाड़ी इंपोर्ट कर लीजिए, बात तो आपके लिए एक ही है। तो यहां पर कुछ खास महत्व नहीं निकल के आया, इंपॉर्टेंस नहीं निकल के आया। गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रही है, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के थ्रू अब ये इंडिजिनस बनाई जाएगी, मतलब कि मेक इन इंडिया घर में ही बनाया जाएगा, अपने से ही बनाया जा रहा होगा, यानी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इसकी की जाएगी। लेकिन अभी क्वेश्चन ये उठता है कि जो लिथियम है ये तो अभी भी बाहर से मंगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास तो लिथियम होता नहीं है। एक फैक्ट आपके लिए, प्रिलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, हम लोग मंगाते हैं फिलहाल चाइना से, लेकिन लिथियम पूरे वर्ल्ड में अफ्रीका में सबसे ज्यादा पाया जा रहा है, और अफ्रीका में भी सबसे ज्यादा पाया जाता है नाइजर में। ये फैक्ट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि न्यूज में काफी ज्यादा रहा है। तो लिथियम को हम लोग बाहर से इंपोर्ट कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग बाकी जितनी भी बॉडी एंड इससे रिलेटेड चीजें हैं वो हम लोग अपना घर में ही बनाएंगे, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, उसके बाद से गाड़ियों का दाम भी कम रहेगा, और हम लोग ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चर भी कर सकते हैं, और हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को काफी ऊपर पहुंचा सकते हैं। तो ये बेसिकली पूरे ऑब्जेक्टिव है हमारे इस नेशनल ई मोबिलिटी मिशन के। अगर हम लोग देखें कि गवर्नमेंट ने क्या कुछ स्टेप्स लिए हैं इस पूरे के पूरे स्कीम को बढ़िया करने के लिए, तो सबसे पहले तो टैक्स कट किया गया है। तो टैक्स कट हैज बीन अनाउंस्ड ऑन द लोन अमाउंट टेकन फॉर द परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया। अगर मान लीजिए आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना है, आप जा रहे हैं बैंक के पास और कह रहे हैं कि मुझे लोन चाहिए और मुझे गाड़ी खरीदनी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदनी है, तो अगर मान लीजिए नॉर्मल इंटरेस्ट रेट अगर 12% है तो आपको रिलेटिवली लोअर इंटरेस्ट रेट पे दिया जाएगा, मान लेते हैं 9%। तो 3% जो सब्सिडी दी जा रही है वो बेसिकली गवर्नमेंट बियर कर रही होती है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट लोन को ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्टिव बना रही है। ये स्कीम अच्छी भी कह सकते हैं और गड़बड़ भी बोल सकते हैं। अच्छी इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर मूव कर रहे होंगे। बुरी इसलिए कहेंगे क्योंकि जब तक गवर्नमेंट इस तरीके की सब्सिडी देगी तब तक लोग खरीदते रहेंगे, और जैसे ही गवर्नमेंट सब्सिडी देना बंद करेगी वैसे ही आम जनता भी स्विच कर जाएगी। तो जो एक तरीका था, या कह लीजिए जो गवर्नमेंट ने जिस इंटेंशन के साथ किया था, वो इंटेंशन कंप्लीट नहीं होगा। दूसरी जीएसटी रेट के बारे में है, जहां पर बोला गया 28% से 12% पर रख दिया गया है, हालांकि ये वापस से रिवाइज होकर के 5% पे इस पे रख दिया गया है।
तो फिलहाल के लिए बात करें तो जीएसटी रेट केवल और केवल 5% ही लग रहा होता है। तो गवर्नमेंट बेसिकली दो तरीके के बेनिफिट दे दे रही है परचेज करने के दौरान में ही। इसके अलावा द सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैज बीन अलाउड एज अ सर्विस फॉर चार्जिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। जितने भी चार्जिंग इलेक्ट्रिक स्टेशन वगैरह खोले जाएंगे उसमें इलेक्ट्रिसिटी की जो सेल रहेगी वो अलाउड रहेगी। अदरवाइज इलेक्ट्रिसिटी की जो सेल होती है वो या तो कोई स्टेट पीएसयू कर रही होती है या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कर रहा होता है आफ्टर टेकिंग लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड नाउ इट इज सेट टू प्रोवाइड ह्यूज इंसेंटिव इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन टू चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जितने भी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आएंगे वहां पर अच्छा खासा इंसेंटिव दिया जाएगा, ये इस चीज को इंश्योर करने के लिए है कि जगह जगह पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित हो जाए। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे इश्यूड नोटिफिकेशन रिगार्डिंग एग्जेम्पशन ऑफ परमिट इन केस ऑफ बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स। तो जहां कहीं भी जो भी प्रॉब्लम अगर आती है, जैसे मान लेते हैं टोल ही हो गया, तो अगर वो बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स है तो उसको परमिट दे दिया जाएगा, उसको टोल नहीं लिया जाएगा, एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने बोला हुआ है। तो ये कुछ स्टेप्स लिए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज्यादा से ज्यादा प्रमोट हो। इलेक्ट्रिक व्हीकल देखिए इंडिया में अगर बात करें कितने लिए गए हैं तो नियरली अगर 2 करोड़ हर साल खरीदे जाते हैं तो नियरली 6,000 to 7,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इस बार इस साल खरीदे गए हैं। तो जो कि डेटा कह सकते हैं कि बहुत कम है, लेकिन एटलीस्ट एक शुरुआत तो है। तो हमें इस और इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करना होगा, गवर्नमेंट को प्रमोट करना होगा, इस स्कीम को ज्यादा से ज्यादा टाइम तक चलानी पड़ेगी जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग अट्रैक्ट हो जाएं। अगर आपको कोई डाउट होता है इस लेक्चर के रिगार्डिंग तो आप हमें लिख सकते हैं, यू कैन राइट योर डाउट ऑन recognitionis@gmail.com। इसके अलावा कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपको शुरुआत में दी गई है, उसके थ्रू भी आप हम तक रीच आउट कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरीके के नए फैक्ट्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।